एवरीवन, दिस इज उस्मान। वेलकम टू आशीष चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा हेयर पैक जो कि पूरी की पूरी प्रोटीन से बनी हुई है। अगर प्रोटीन की बात करूँ तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके बालों के लिए प्रोटीन। आपके बालों को हमेशा प्रोटीन मिलना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने स्टडी किया हुआ है तो आपको पता होगा कि हमारे बाल प्रोटीन से ही बने होते हैं। बालों पर नहीं पड़ना, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। रीजंस मीन्स आपका डाइट प्लान अच्छा नहीं होता है। आप अपने हेयर का केयर तो करते हो ऊपर से, लेकिन अंदर से भी आपके डाइट ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपके हेयर का ग्रोथ हो सके। आप अपने डाइट में एग, फिश, स्नैक्स के बदले ड्राई फ्रूट्स लो। इससे क्या होगा कि आपका अंदर से भी आपको बायोटीन प्रोटीन मिलती रहेगी, ठीक है। और अगर आप ऊपर से भी अपने हेयर का केयर करोगे तो डेफिनेटली हेयर ग्रोथ होगा ही होगा। सेकेंड है केमिकल वाली शैम्पू और कंडीशनर। इससे क्या होता है कि जब आप शैम्पू और कंडीशनर करते हैं और उसमें ज़्यादा केमिकल होता है जिससे आपके हेयर फॉल होते हैं और आपके जो रूट्स हैं वो वीक हो जाते हैं, और जब रूट्स वीक होती है तो हेयर ग्रोथ होना बहुत मुश्किल होता है। थर्ड है मशीन, जिसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लाइक स्ट्रेटनर, ड्रायर, ये सब बहुत कम ही यूज़ किया करो। फोर्थ है आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करो। स्ट्रेस जितना लोगे आपके हेयर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो हेयर ग्रोथ आपकी जल्द से जल्द हो, इसके लिए आपको इन सारी बातों का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कर देना, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। लाइक और शेयर करना मत भूलना। सो लेट्स बिगिन। सो मेरी फर्स्ट इंग्रेडिएंट है मेथी दाना, मींस फेनिग्रिक सीड्स। फेनिग्रिक सीड्स में वो सारी चीजें होती हैं जो कि आपके बालों के लिए जरूरी होती है। अगर आपको बाल्डनेस जैसी प्रॉब्लम है, अगर आपके रूट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, वीक हो गए हैं, तो इस इंग्रेडिएंट का ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इसमें होते हैं फॉलिक एसिड्स, विटामिन ए, के, आयरन, कैल्शियम जैसी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके बालों के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और आपके बालों के प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको इन सारे सीड्स का पाउडर बना लेना है और यहाँ पर ऐड करना है 2 टेबल स्पून फेनिग्रिक सीड्स। सेकेंड इन्ग्रीडियंट जो है वो है फ्लैक्स सीड ऑयल, जो कि मैंने घर पर ही रेडी किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए तो बहुत इफेक्टिव है, साथ ही साथ अगर आप इसे अपने स्कैल्प पे यूज़ करते हो तो ये आपके मेमोरी को इंक्रीज करता है। ये हेयर ग्रोथ के लिए इसीलिए इफेक्टिव होती है क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है वो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। दूसरा कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बहुत रिच होती है। तो यहाँ आपको 2 टेबल स्पून फ्लैक्सीड ऑयल लेना है। यहाँ ऐड कर दीजिए प्रोटीन से भरी हुई दही, मींस कर्ड। आपको यहाँ पे 3 टीस्पून कर्ड ऐड करना है। आप चाहो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, इसका एक पेस्ट रेडी हो जाए, आपको इतना ऐड करना है। दही आपके स्कैल्प में होने वाले इन्फेक्शंस को दूर करता है, वो इसीलिए क्योंकि इसमें होते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, और इसमें रिच अमाउंट में प्रोटीन होने की वजह से ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट भी करता है। तो यहाँ पे आपको पैक की कंसिस्टेंसी को ठीक करने के लिए थोड़ा थोड़ा दही ऐड करना है। आप चाहो तो थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर सकते हो। तो बस ये हमारा रेडी हो गया है प्रोटीन हेयर पैक। तो इसे आपको वीक में 2 डेज अप्लाई करना है अपने रूट्स पर, अपने हेयर के स्कैल्प पर। अच्छा, अगर आपके पास कर्ड ना हो, दही ना हो, तो आप कोकोनट मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद आप 1 घंटे तक इसे अपने हेयर पर रहने दें। उसके बाद आपको इसे वॉश कर लेना है कोई भी हर्बल शैम्पू से, और इसे आपको वीक में 2 डेज अप्लाई करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा हो। अगर यूजफुल लगे ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, एंड लाइक करना तो मत भूलना। एंड हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। खुदा हाफिज।